अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये डीकोन एलसीडी टीवी है, ये 37 इंच का। तो मैं इसको पावर देने लगा हूं, तो जैसे ही इसको पावर देते हैं तो इसकी साउंड जो है अजीब सी आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी साउंड जो है ख़राब है। ये सुन सकते हैं आप, इस तरह की इसकी साउंड आती है, ठीक है। ये इसमें फॉल्ट है, पिक्चर भी आती है लेकिन इसकी साउंड जो है वो इसी तरह आती रहती है, ठीक है। ये मैंने ऑफ कर दिया, अभी साउंड चले गई। ये ऑन कर दिया तो अब आप सुन सकते हैं कि इसकी साउंड जो है वो इस तरह आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पिक्चर भी आ रही है लेकिन साउंड नहीं है इसकी आ रही है। इसकी साउंड का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके वॉल्यूम को अप करने लगा हूँ थोड़ा सा। ये वॉल्यूम इसका आप देख सकते हैं, ये 50 से ऊपर चला गया, लेकिन इसका साउंड जो है, इसमें साउंड का फॉल्ट है। ये आप सुन सकते हैं, इसी तरह से इसकी आवाज़ आती रहती है साउंड की, ठीक है। तो बहरहाल चलो इसको ओपन करते हैं। डीकोन का सेट है, एलसीडी टीवी है, ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या फॉल्ट है इसमें। तो जी, मैंने ओपन कर लिया। ये इसका मदरबोर्ड है, ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये चेक है इसका स्पीकर का, ठीक है। इसमें स्पीकर भी ख़राब हो सकते हैं, मतलब अगर स्पीकर ख़राब होंगे तो फिर इस तरह की बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगी। लेकिन ये जो साउंड आ रही थी टक टक, इस तरह किस्म की, फ़र्ज़ करें अगर 24 वोल्ट नहीं मिलेंगे, ये 24 वोल्ट का जैक है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव 24 वोल्ट आते हैं, ये स्पीकर के लिए होते हैं, ठीक है। ये साउंड के 24 वोल्ट होते हैं। अगर तो यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं आएंगे तो फिर भी हमारी आवाज़ नहीं आएगी। इसके अलावा ये आईसी लगा हुआ है, ठीक है। ये आईसी है साउंड का, ये साउंड का आईसी है। तो इसके साथ एक स्पीकर की कॉइल ये है और एक की ये है, ठीक है। ये दो कॉइल लगी हुई हैं। अगर इनमें से ये भी ख़राब होंगी, मसलन जल जाएं किसी वजह से, तो फिर भी वो बार चांस तो नहीं होते इनके जलने के, बहरहाल फिर भी अगर किसी वजह से जल जाए तो नहीं। इसके अलावा होता है ये कैपेसिटर हैं दो, ठीक है। 25 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, तो 470 UF है। और अगर ये ख़राब होंगे तो फिर भी साउंड नहीं आएगी। तो ये ख़राब, ये आप देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके यहाँ पे 24 वोल्ट। अगर 24 वोल्ट मिल रहे हैं तो फिर चेक करेंगे इसके कैपेसिटर वगैरह, इसका चेक भी। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि कभी कभी ये जैक लूज़ हो जाए तो फिर भी नहीं आवाज़ आती, समटाइम लूज़ हो भी जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे मोजे जो होते रहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसको हम ट्रेस करते हैं सबसे पहले फॉल्ट को, कि आखिर इसका फॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है, कि इसमें साउंड जो है वो क्यों नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके 24 वोल्ट, ये पावर सप्लाई से 24 वोल्ट की, ये यहाँ पे 24 वोल्ट, ठीक है। ये 24 वोल्ट है इसके, सबसे पहले हम इसके चेक करेंगे। फिर इसका आईसी भी ख़राब हो सकता है, अगर आईसी ख़राब होगा तो फिर भी अब साउंड जो है वो आवाज़ नहीं आएगी। तो बहरहाल चलो फॉल्ट को ट्रेस करते हैं, फिर देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी इसमें सर्च किया है लेकिन फॉल्ट कोई नहीं मिला इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जब देख चेक किए, 24 वोल्ट मिल रहे हैं, ये कॉइल भी ठीक है, दोनों कैपेसिटर भी ये बिल्कुल ओके है, इसके अलावा ये आईसी भी ठीक है। तो जब से मैंने दोबारा इस जैक को ओपन किया, ओपन करके दोबारा लगाया, तो साउंड बिल्कुल ओके हो गई है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसमें साउंड, जब मैंने जैक को, यह स्पीकर का जैक है, इसको उतार कर दोबारा से इसको लगाया, तो मैंने इसको पावर दिया, साउंड बिल्कुल ओके आने लगी है। तो इस तरह के मुजात हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो पर ये तो अच्छा हुआ कि इसकी आवाज़ आ गई बगैर किसी, ठीक है। तो अब मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। बस जैक, स्पीकर का जैक उतारा है ये जाना, ठीक है। उतार के दोबारा लगाया, जब लगा के चेक किया है तो बिल्कुल साउंड ओके है, क्योंकि मैंने लगा के पहले, सबसे पहले तो इसके 24 वोल्ट चेक किए हैं, वो भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं बिल्कुल।
तो ये कॉइल वगैरह भी, कैपेसिटर वगैरह भी चेक किए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो आईसी भी, अगर तो आईसी अमूमन ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आईसी ख़राब होगा तो वो ओवर हीट होता है, ठीक है। अगर आईसी ओवर हीट हो, कोई भी आईसी हो, तो वो ख़राब होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आईसी ओवर हीट हो तो फिर ही खराब हो, शो करेगा, खराब होगा, वरना ये ऐसा भी हो सकता है कि ओवर हीट ना हो और आईसी ख़राब हो। लेकिन अक्सर अमूमन ज़्यादातर आईसी जो हैं वो ओवर हीट होते हैं तो ख़राब होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको सेट को ऑन किया, आईसी बिल्कुल ठीक, तो दोबारा से मैंने इस जैक को लगा दिया, तो मैंने इसको पावर दी तो सेट हमारा बिल्कुल ओके। दोबारा चलो इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, आपको पिक्चर दिखाते हैं इसका, डिस्प्ले वगैरह लगा लगा के। तो जी आप सुन सकते हैं साउंड बिल्कुल अभी ओके है, ठीक है। तो अभी मैं वॉल्यूम को आप करने लगा हूँ थोड़ा सा, ये साउंड ये डाउन हो गया, ये अप हो गया, ठीक ووصل है। لمجلس القضاء الأعلى وانعطى عليهم الملاحظات آخر لحظة अब साउंड बिल्कुल ओके है, तो इसमें फॉल्ट तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। बस मैंने जैक कर रिमूव किया, दोबारा से जब जैक लगाया तो हमारा जो सेट है बिल्कुल साउंड बिल्कुल ओके हो गया। तो बहरहाल अभी इसको ट्राई करेंगे, इस तरह इसको बंद तो नहीं करेंगे, अभी इसको थोड़ा चलने देंगे, ऑन ऑफ करेंगे कुछ टाइम, ताकि कन्फर्म हो जाए कि वाकई इसमें फॉल्ट है या कि वैसे ही इसने हमें धोखा दिया हुआ है। दोबारा चलो देख सकते हैं सेट बिल्कुल।